जाओ बॉल ले लो, बॉल ले लो। तो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं। लो बताऊं कि अभी नहीं, मैं सोच रहा हूँ बताऊं कि नहीं बताऊं। किसी को मत बताना हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक बिट्टू? किसी को मत बताना हम कहाँ जा रहे हैं। चलो अभी 3 घंटे की जर्नी है और उस दौरान अगर भूख भूख लग गया तो सटासट नो ब्रेक। अजगर के चंगुल में जकड़ा जा चुका है। चुप रहो, मुझे अजगर बोलोगे तो दोबारा दूध नहीं पिलाऊंगी मैं। ना हो दूध नहीं, नहीं उसको लग रहा कि तुम नहीं पिलाते हो, उसको भरोसा है कि तुम ही तो नहीं पिलाते हो। देखो अभी सो रहा है, पहले एक्टिंग कर, जल्दी सो रहा है, आँख पाँख बंद कर रहा है। कितना नौटंकी सीख गए हो तुम, अभी देखना खाली। मैं बचपन में क्या सोचती थी पता है, कि मेरे जो सामान होते थे, चाहे पेंसिल का छिलका ही होना, सब मैं घर ला के फेंकती थी आसपास, कि वो रोएंगे ना मेरे से दूर रहेंगे। तो ले ही मत जाओ ना बाहर। मुझे पता रहता था कि उनको तकलीफ नहीं थी, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि उनमें से बिछड़। कहाँ रखेंगे अब उसको, इतनी सी तेल है, इतना बड़ा डब्बा है, छोटे से सूटकेस में कहाँ रखेंगे। खरीद लेना वहाँ पे, ठीक है रख दो यहाँ पे, इसी में ठूसो। हाँ चलो चलो उठाओ, गाड़ी नीचे खड़ी है। जा रहा हूँ मैं अकेले, जा रहा हूँ। बाय बाय पापा। चलो ठीक, उठाओ उठाओ उठाओ। कि मैं बाहर जा रहा हूँ। घूमे घूमे जा रहे हैं, किसी को बताना मत हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। सुबह बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो मैं सोच रहा था रास्ते भर, मैं सोचा आपको बताऊँ कि ना बताऊँ, अभी भी सोच रहा हूँ बताऊँ कि ना बताऊँ। 2 दिन के लिए हम इधर आए हैं, 2 दिन के लिए ये हमारा विला है। और सबसे पहले जो चीज़ हम चेक करते हैं कहीं भी जाने के बाद, ये है वॉशरूम जहाँ हम बम गिराएंगे। और जो दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं वो है बिस्तर। हाँ यस, ओह गॉड, ये है मेरा बढ़िया फेवरेट बिस्तर, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं जमता है। हाँ हाँ, दे दो दे दो। दिन में 4 बार पॉटी करता हूँ क्योंकि मेरे दांत आ रहे हैं। ये बहुत मन से खाता है डेंटोनिक, ये यही एक ऐसी चीज़ है जो इतना खुशी से खाएगा ये, तेरा दांत चला जाएगा पेट में। तो गाइज हम लोग अभी निकले हैं थोड़ा सा ऐसे ही सोसाइटी एक्सप्लोर करने के लिए। सोसाइटी में तो हमने देखा ही नहीं कि क्या क्या है यहाँ का, अपना इनका कॉमन गार्डन और कॉमन पूल भी है। पूरे दिन भर बारिश नहीं हुई, अभी जैसे निकलना हुआ देख लीजिए बारिश चालू। अच्छा लगे वो काट लेंगे, आज वो आ जाएंगे तो हम पूल में आते हैं, ठीक है? यार अजीब वो सी फालतू सी बारिश हो रही है ना, किसी काम की बारिश नहीं है ये, मतलब खड़ा नहीं होने दे रही हम लोग। लोनावला है वो, बारिश में नहीं है, बारिश नहीं लोगे तो कैसे फायदा हुआ। ये टिप 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 सर पे पड़ रहा, इरिटेट हो रहा हूँ। तो गाइज हमें स्कूटी मिल गई है और हम आसपास का लोकेशन जा रहे हैं देखने के लिए, डैम वैम जहाँ पर है। मिल गया है अग्रवाल फूड स्टोर जहाँ पे हम जा रहे हैं कुछ लाइट सा नाश्ता खाने। फूड स्टोर लिखा हुआ है लेकिन ड्राई फ्रूट सब है, तो कहीं ना कहीं खाने को मिलेगा। बढ़िया मिलेगा, हेल्दी हेल्दी, तो यहाँ भी आके बर्गर सैंडविच ही सब मिल रहा है। तो लोनावला में क्या उड़द की दाल एक्सपेक्ट कर रहे हो? भाकरी वाकरी मिले खूब, जो है बाजरे की या फिर ज्वार की। तो ये बालकनी एरिया है, सामने भी बहुत लोगों के विला है और इस कंपाउंड में तकरीबन 80 विला है। ये है पौराणिक सोसाइटी और
टोटल 3 बेडरूम है। बेडरूम के अलावा और भी क्या है वो हम चल के देखते हैं। हमारा पहला रूम और इस तरफ है हमारा डाइनिंग एरिया। ऊपर जाने का ये रास्ता है। अभी थोड़ी देर में हम ऊपर के बेडरूम में भी चल के देखेंगे। यहाँ पर आराम से हम 4-5 लोग बैठ करके टीवी देख सकते हैं। इसके बिना तो कोई भी विला कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इसके बिना हम दोस्तों के साथ प्लान भी नहीं कर सकते। पूरा फुल ऑन प्राइवेसी। अगर ये पर्दा आप बंद कर दोगे ना तो आपका ये पूल एकदम प्राइवेट हो जाएगा। आराम से अपना जो है पूल से निकलिए। इस तरफ किचन है और ये है हमारा फ्रिज, एकदम साफ सुथरा फ्रिज। सारे क्रॉकरी के आइटम ऊपर दिखाते हैं फिर चलेंगे नीचे। क्या है ये? वाईफाई 1 Mbps, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट। ऊपर की तरफ है 2 रूम। पहले ये वाला रूम देखते हैं। इस तरफ वॉशरूम है बिकॉज ऊपर वाले दोनों बेडरूम में वॉशरूम अटैच्ड है। इधर मेरा लल्ला सो रहा है, बहुत काम किया है मेरे साथ। ये वाले बेडरूम में मैं सोया था रात को। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं ना। शाम को धूप इस तरफ आती है और सुबह को धूप उस तरफ रहती है। बहुत ही सुकून है। उस तरफ लोनावाला के पहाड़ दिख रहे हैं। इस तरफ तो ये देखो, ये ऊंची ऊंची पहाड़ है। बालकनी से हमें ये हिल व्यू दिखाई देता है। इस विला को बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अगर दोस्त लोग आकर के यहाँ पे पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर वो आ सकते हैं। तो गाइज, आज मैं जिस विला में आया हूँ, इस जगह का नाम है विला मोनिक, जो कि लोनावाला में है और लोनावाला स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप समझ लो कि मेन सिटी में ही आपको ये विला मिलेगा, कि ताकि आप आराम से मुंबई से भी यहाँ पर आ पाए। कहीं से भी आ रहे हो, ट्रेन की सुविधा बहुत अच्छी है। मैगी तो पहाड़ों की सबसे फेवरेट डिश होती है। पहाड़ों में जाके मैगी तो मस्ट है। ये पहाड़ों में जाके मैगी कैसे फेमस हो गई यार? पहाड़ों में सतुआ लेके जाते तो सतुआ घोर के पीते, पता नहीं क्या था मैगी में। और तो और, शूटिंग पर्पस से भी इस विला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली चीज़ वो कवर हो जा रही है, जैसे पूल है, नीचे का एरिया इतना बड़ा है, सोसाइटी है, बेडरूम है, किचन है। तो अगर स्मॉल OTT के लिए कोई कंटेंट अगर बना रहा है ना, तो पूरा एपिसोड यहाँ पर निकल जाएगा। बाबू भी सो के उठ गया है और उसके पापा ने भी थोड़ी नींद ले ली है। मैं ही बस एक ऐसी प्राणी हूँ इस घर में जो आज सुबह के बाद सोई नहीं हूँ। लंच बनाया ही नहीं यार, और ना ही मंगवाया, बस वही मैगी से ही अपना काम चला लिए हैं। क्योंकि शाम को 7 बजे एक कैफ़े में जाना है जो कि होस्ट के लिए बुलाएं। चल के देखते हैं वहाँ पे क्या खाने को मिलता है। अभी हमारा कोई फ़ोटो निकालने वाला नहीं है। ए भैया, एक तो फ़ोटो निकाल दो। उसको चेयर भी अलग लगेगा। ओके। कुछ टाइम बाद प्लेट भी अलग भी दे दिया, उसको प्लेट भी चाहिए। वो मेन्यू भी देख रहा है, देखो मेन्यू भी देख के बताएगा। ए बेटा चलो, अब चलने का टाइम हो गया। ये कौन सा गुस्सा है? हाँ। और मैं सोच रही हूँ चलो निकलो।